So, fellow students, today I am going to discuss the third part of chapter 4. Okay, so in civics class 8, chapter 4, we are going to discuss the third part. Okay, so initially what we have studied till now, let us first recall that. पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है? So first thing जो मैंने ये बताई थी, what is the definition of parliament? ठीक है? Parliament क्या होता है? इसके बारे में discuss किया, ठीक है? So parliament is a place where a rule is created or abolished by public view. मतलब कि जब कोई भी रूल नया बनाया जाता है या उसे बंद किया जाता है, ठीक है? तो उसका डिस्कशन यहाँ किया जाता है कि whether this rule is good or bad for our society, ठीक है? So, firstly we had discussed about parliament. So, parliament is a place where the discussions are made to establish or to abolish a rule, ठीक है? जनता की भागीदारी करने के लिए या फिर किसी एक नए नियम को बनाने के लिए कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने हैं, ठीक है, कोई नया नियम बनाना है, कोई नए नियम को बंद करना है, ठीक है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, और पार्लियामेंट में हर जगह से बुलाए गए रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है। किस चीज के लिए? डिस्कशन के लिए, ठीक है। डिस्कशन कौन करता है? जो उसका हाईएस्ट चेयरमैन होता है उसकी निगरानी में बाकी सारी पार्टीज बैठ के डिस्कशन करती है दैट व्हाट इज द वर्क दैट गवर्नमेंट शुड डू, ठीक है, व्हाट इज द वर्क दैट गवर्नमेंट शुड डू, ठीक है। गवर्नमेंट कई बार ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि हम ये करेंगे, बट बाद में क्या होता है कि कई सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर पाती, ठीक है। सो कई बार उन कामों को याद दिलाने के लिए या फिर जो डेवलपमेंट एरियाज हैं उन अंडर डेवलपमेंट एरियाज को शो करने के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? अगर मान लो किसी एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई स्टेट है उसमें रोड्स बहुत खराब है, ठीक है, तो उन रोड्स को बनाने के लिए, समझ में आ रही है? तो अगर रोड्स किसी स्टेट की खराब है, अगर ये मान लेते हैं स्टेट, ठीक है, तो इसकी रोड्स बहुत ज्यादा खराब है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसे पास कर दिए कि भाई हाँ रोड्स बनने, ठीक है, बट बाद में क्या होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट तक पैसे आते 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 खत्म हो जाते हैं, बट रोड्स नहीं बन पाते, ठीक है। तो होता क्या है पार्लियामेंट में डिवीजन होता है, ठीक है, कई सारी पार्टियां जो होती हैं वो आकर के डिस्कशन करती हैं कि किस गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, ठीक है। तो उसी चीज को डिस्कस करने के लिए अंडर डेवलपमेंट एरियाज को डेवलप कराने के लिए सरकार को भी काम याद दिलाने के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट का तो ये डेफिनेशन हो गया। अब पार्लियामेंट की बात मैंने ये बताया था कि पार्लियामेंट बेसिकली होता क्या है, क्यों पार्लियामेंट का निर्माण किया गया, ठीक है, ये बताया था ना। तो पार्लियामेंट का निर्माण क्यों किया गया? ताकि पब्लिक की जो भागीदारी है या पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो सरकार के हर फैसले में हो सके, ठीक। सरकार के हर फैसले में पब्लिक अपना पार्टिसिपेशन कैसे करती है? अगर एक नया नियम हम बना रहे हैं जैसे कि तीन तलाक की बात करते हैं, ठीक है, तो तीन तलाक रूल जो था वो लास्ट ईयर और उसके पहले साल तक बहुत ज्यादा चलन में था कि इजिली उसको फॉलो करते थे, बट उसके बाद तीन तलाक नियम पे बैन लगा दिया। क्यों बैन लगा दिया गया? क्योंकि उसका सोसाइटी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है, उससे क्या होता था कई सारे मुस्लिम जो लेडीज थी उनको बहुत दिक्कत आती थी, ठीक है। तो इसके लिए कैसे सरकार को पता चला कि ये नियम बंद कर देना चाहिए? क्यों सरकार कैसे जानी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रूल, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कैसे हो? गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने व्यूज रखे, ठीक है, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है ना इलेक्शन में, ठीक है, तो जब रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है तो वो रिप्रेजेंटेटिव जाके पार्लियामेंट में इस पॉइंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं, ठीक है, जो उनकी सुपीरियर गवर्नमेंट है उनको बताते हैं, ठीक है, उनकी सुपीरियर जो गवर्नमेंट होगी उनको ये जाके बताएंगे ये सेंट्रल ये नहीं सकता है ये स्टेट ये सकता है, ठीक है। एमपी होते हैं एमपी जाके स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती है कि हमारे एरिया में हमारी कंट्री में ये बहुत खराब चीज बना पड़ेगी, ठीक है, एंड यू शुड यू हैव द ड्यूटी टू स्टॉप दिस रूल,
Okay, so just to stop this rule, it may lead to a very good and prosperous society. ठीक है, अगर ये नियम बंद कर दिया जाता है तो समाज में बहुत बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. सो जस्ट टू स्टॉप दिस रूल और टू मेक अ न्यू रूल अगेंस्ट अ रूल, अ न्यू रूल इज फॉर्म. ठीक है, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन कैसे हुआ? यहाँ ये बहुत सारी पब्लिक है, इसने अपनी बात जाकर एमपी से कही, एमपी ने स्टेट गवर्नमेंट से कही, स्टेट गवर्नमेंट से अगर ये समस्या समाधान लेकर बनाई जाकर किसे करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से. ठीक है, उसके बाद इस पे एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा और उसको पास कर दिया जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया पब्लिक का पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है सर? ओके, चलो फिर क्या बात आती है पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं ना, पार्लियामेंट क्या होता है. ठीक है, अब पार्लियामेंट भी दो बेसिक बॉडीज काम करती है. ठीक है, ये भी बताया जाता है. ठीक है, पहली बॉडी जो काम करती है उसको कहते हैं लोकसभा. ठीक है, और दूसरी बॉडी जो काम करती है उसको कहते हैं राज्यसभा. ठीक है, राज्यसभा. लोकसभा में 545 सीट्स होती है. ठीक है, और राज्यसभा में 240 प्लस सीट होती है, मतलब 245 के आसपास होती है. 245 सीट्स राज्यसभा में होती है. ठीक है, अब राज्यसभा और लोकसभा ये दो अलग अलग नाम क्यों दिए गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है. ठीक है, व्हाई पार्लियामेंट हैज बीन डिवाइडेड टू टू पार्ट्स. ठीक है, सो फर्स्टली ही वी टॉक अबाउट लोकसभा. लोकसभा इज अ लोअर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय लोकसभा इलेक्शंस. लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस के थ्रू लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं. ठीक है, किस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स होगी इस लोकसभा में? आउट ऑफ 545 जिस पार्टी में इस एलिगेशन के सबसे ज्यादा सीट्स होते हैं उसी की गवर्नमेंट बनती है कहां पे? स्टेट में. ठीक है, स्टेट में गवर्नमेंट किसकी बनती है? जिसकी लोकसभा में लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट्स होती है. अगर 545 में से 300 प्लस सीट्स आती है किसी पार्टी की, ठीक है, तो उसको पूर्ण बहुमत कहते हैं. ठीक है, फुल सपोर्ट की सरकार कहते हैं. ठीक है, सो लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकसभा इलेक्शंस एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनका सिलेक्शन कैसे होता है ये बहुत बड़ा प्रश्न. ठीक है, ये कैसे किया जाता है, ये कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस है इसके पीछे? सो राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं ये लोकसभा मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं. ठीक है, ये जो 545 मेंबर होते हैं, ठीक है, ये वोट डालते हैं. ठीक है, वोट डालने के बाद पता चलता है कि राज्यसभा में 245 सीट है, ये कैसे फिल की जाएगी? ठीक है, ये कैसे भरी जाएगी? एक और नाम सुनेंगे, विधानसभा. सुने हो सर? विधानसभा चुनाव होता है. ठीक है, विधानसभा चुनाव में क्या होता है? विधानसभा चुनाव में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते हैं. ठीक है, सो जब हर एक स्टेट से या हर एक जगह से विधानसभा के लिए कोई एक कार्यकर्ता होता है या एक कैंडिडेट बनाया जाता है. ठीक है, जो सांसद बनता है इसके एक एरिया एक सिटी. ठीक है, सो राज्यसभा के मेंबर्स यहां से भी चुने जाते हैं. समझ नहीं पा? सो विधानसभा में राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय विधानसभा इलेक्शंस. चलो यहां तक पढ़ चुके, अब इसके आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में ठीक है, अब ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट थिंग इज लोकसभा एंड सेकंड थिंग इज राज्यसभा. इन लोकसभा देयर आर 545 सीट्स एंड द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय लोकसभा इलेक्शंस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सिलेक्टेड बाय विधानसभा इलेक्शंस. ओके, सो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है. ठीक है, बेसिकली हर एक सीट, हर एक हाउस में, ठीक है, एक हाईएस्ट पर्सनालिटी होती है. ठीक है, हर एक हाउस में, जैसे कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं. ठीक है, लोकसभा इज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज अपर हाउस.
सुपीरियर है, उस दोनों के लिए, ठीक है। सो इन दोनों हाउसेज में एक सुपीरियर होता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन हो या लोकसभा हो या विधानसभा इलेक्शन हो या राज्यसभा हो, ठीक है, इन दोनों में बेसिकली होता क्या है कि डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, माइनर या मेजर दोनों डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। लोकसभा जो होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की डिस्कशंस होते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपीरियर ऑफ सुपीरियर ऑफ लोकसभा देन इट इज सेड टू बी द स्पीकर, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लोकसभा, लोकसभा के जो हाईएस्ट पर्सनालिटी होती है या सुपीरियर होते हैं वो होते हैं स्पीकर, ठीक है। सो लोकसभा में जो सबकी डिस्कशन सुनते हैं और डिस्कशन के जो रिजल्ट निकालते हैं वो होते हैं स्पीकर, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम एक स्पीकर का नाम लें, सो इंडियाज मोस्ट नोन एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पीकर जो होती है मिस मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार वाज द फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। सो लोकसभा की हाईएस्ट पर्सनालिटी कौन है? स्पीकर, ठीक है। When we talk about upper house or the Rajya Sabha, the highest superior or the leader of this Rajya Sabha is the Vice President of India. This is chaired by the Vice President of India. So, Rajya Sabha की बात करते हैं, तो Rajya Sabha में जो discussions का निष्कर्ष निकालते हैं या result निकालते हैं वो होते हैं Vice President. ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट चेयर पर्सन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इफ यू टॉक अबाउट टुडेस वाइस प्रेसिडेंट इट इज मिस्टर वेंकैया नायडू। सो राज्यसभा इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर वेंकैया नायडू, बट इफ यू टॉक अबाउट लोकसभा द सुपीरियर ऑफ लोकसभा और हाईएस्ट चेयर पर्सन ऑफ लोकसभा इज स्पीकर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये मेरा आज का पहला टॉपिक है। बिफोर दैट वी विल गो ऑन द टॉपिक पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव को कैसे सिलेक्ट किया जाता है हम पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस और अ लोकैलिटी और अ सिटी, सो पीपल ऑफ दैट प्लेस और दैट लोकैलिटी इलेक्ट्स अ लीडर ऑफ, मतलब कि क्या करते हैं कि अगर कोई एक लोकैलिटी है, ठीक है, एक एरिया जैसे हम गोरखपुर का एग्जांपल लेके चलते हैं, सो पीपल ऑफ गोरखपुर इलेक्ट अ लीडर, वो अपना अपने लिए एक लीडर चुनते हैं, ठीक है, ताकि वो जो भी परेशानियां हैं उनकी अंडर डेवलपमेंट की चीजें हैं, जो क्षेत्र है उस एरिया के जिसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, ये चीजें वो जाकर के ऊपर अपने सुपीरियर्स को बता सके, ठीक है। सो जस्ट टू नो देयर, लेट देयर प्रॉब्लम्स नो टू देयर ओन सुपीरियर्स, पीपल ऑफ अ प्लेस इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, पीपल ऑफ अ लोकैलिटी elect a leader for transporting their messages, their problems and messages, problems to their superiors. ठीक है, जनता क्या करती है, लोकैलिटी की या एक्सपीरियंस की अपने लिए एक लीडर चुनती है, ठीक है, अपने लिए एक नेतृत्व चुनती है, एक लीडर चुनती है जो कि जाकर के स्टेट गवर्नमेंट में या ऊपर के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको बताता है क्या कि जनता को क्या परेशानी है, किस एरिया में डेवलपमेंट की जरूरत है, किस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है। सो ऑल द मैसेजेस ऑफ अ प्लेस और अ लोकैलिटी इज
ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट लीडर, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक सोसाइटी में, ठीक है, एक लोकैलिटी में जिस भी तरह के लोग रहते हैं, तो हर उनमें से जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होता है, जिसको भी इच्छा होती है इलेक्शन लड़ने की, वो अपने अपने कैंडिडेट्स को उठाता है दैट आई एम गोइंग टू इलेक्ट द इलेक्शन और कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर बिकमिंग अ लीडर, ठीक है। सो जिसका जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके हिसाब से जनता उसे चुनती है, ठीक है। द लीडर व्हिच इज हैविंग अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ही इज हैविंग अ वेरी गुड लीडरशिप स्किल्स इज सिलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट लोकैलिटी। मतलब कि कई सारे कैंडिडेट्स उठते तो हैं, लेकिन जिसके पास सबसे अच्छी लीडरशिप स्किल्स होती है, जिसके पास सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेस्ट लगता है जनता को, उसको वो अपना चुनती है। बट इन स्पाइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कभी भी किसी चीज के नाम में भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब कई एरिया में ऐसा भी होता था पहले, बट नॉट इन टूडेज लाइफ, बट इन अर्लियर टाइम्स इट वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट लोग क्या करते थे कि अपने धर्म के लोग को जिता देते थे, अपनी कम्युनिटी को जिता देते थे। दे यूज टू लेट द पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी विन द इलेक्शन, ओके। बट आफ्टर दैट व्हेन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक इज चेंजिंग, देन दे आर चूजिंग अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ द लीडर, ठीक है। लीडर की जो लीडरशिप स्किल्स है, क्वालिटीज है, उसके लीड करने का तरीका है, इसके बेसिस पे लीडरशिप चुनी जाती है या रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, ठीक है। सो अब रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव का काम वही होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लीडरशिप, जो लीडर्स होते हैं वो लीडरशिप स्किल्स के माध्यम से हर जगह को पता करते हैं कि क्या दिक्कतें चल रही है, ठीक है। वो सबकी बातें सुनते हैं, ठीक है, पब्लिक के पास जा जा करके सुनते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इन व्हिच वे दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट द लीडर गोज टू हिज सुपीरियर गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड देयर इट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एंड देन दिस अथॉरिटी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक है। होता क्या है कि लीडर जाकर के अपने से सुपीरियर या फिर उससे ऊपर जो काम करने वाली गवर्नमेंट है वो उसको जाके प्रॉब्लम के बारे में बताता है, बट फिर उसके बाद जो उसके ऊपर की जो सुपीरियर गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ अ लीडर, बेसिक फंक्शन ऑफ अ लीडर दैट ही हैज टू एनहांस हिज लीडरशिप स्किल्स एंड बाय दैट लीडरशिप स्किल्स ही हैज टू लीड अ सोसाइटी टू अ ब्राइटर वे। मतलब कि उसको एक अच्छी राह पर अपनी सोसाइटी को या अपने एरिया को देकर के जाना, ठीक है। इसी मदद समझ में आई? सो पीपल ऑफ अ लोकैलिटी इलेक्ट अ लीडर फॉर ट्रांसपोर्टिंग और ट्रांसफरिंग देयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम देम टू देयर सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब है अपर गवर्नमेंट, ठीक है। अपर गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? सुपीरियर कहते हैं, ठीक है। समझ में आई थी चीजें? सो लीडर्स कैसे चुने जाते हैं? चुने जाते हैं बाय इलेक्शन, ठीक है। और इलेक्शन में क्या होता है, कई सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, ठीक है, और इसकी अच्छी क्वालिटी होती है जो अच्छे से लीड कर पाता है, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होती है, वो जीत जाता है, ठीक है। सो द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, द डिजायर टू इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। मतलब कि ये जो पब्लिक है या फिर जो लोकैलिटी के पीपल है, यही डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी और गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी, ठीक है। अब फंक्शनिंग की बात आई है, तो फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? फंक्शनिंग का क्या मतलब होता है ये पहले जानते हैं। फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किस वे में काम करेगी, ठीक है, किस दिशा में काम करेगी, किस फील्ड में ज्यादा उसको ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट किस दिशा में ध्यान दे रही है, जैसे कि मान लेते हैं कि रेलवे है, तो रेलवे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी ना, रेलवे पर थोड़ा कम ध्यान देगी और देखेगी कि बसेस जो है, ठीक है, अगर बसेस अंडर डेवलप्ड है, बसेस की डेवलपमेंट नहीं हुई है काफी सालों से, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उस डेवलपमेंट पे या उस बसों की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए,
ठीक है। सो जनता क्या करती है कि काउंसलिंग बताती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कैसे काम करे, ठीक है, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव जा करके बताएगा गवर्नमेंट को, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जाके बताएगा गवर्नमेंट को कि द एरिया ऑफ बसेस, द गवर्नमेंट बसेस नीड्स टू बी डेवलप वेरी रैपिडली। मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव जाके कहेगा कि सर हमारे एरिया की जो बसेस हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट की, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं वो डेवलप नहीं है, यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और रेलवे जो है वो अभी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, यानी कि अभी वो डेवलप थी, ठीक है, अभी उनमें डेवलपमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, बसेस को जरूरत है। तो ये जाके गवर्नमेंट को कहा, पब्लिक ने आकर के इसको कहा, पब्लिक ने इससे कहा, इसने जाकर के गवर्नमेंट को कहा और गवर्नमेंट ने फिर इस पे ध्यान देना शुरू किया अकॉर्डिंग टू देयर पावर, ठीक है। अगर उसके ऊपर वाली गवर्नमेंट में इतना पावर नहीं है कि वो बसेस को डेवलप कर सके तो ये जाकर के अपने सुपीरियर्स का, ठीक है, समझ में आई बात। सो the basic idea of the standard democracy is that the individual of a citizen is the most important person in the principle. अभी यही बताया मैंने, ये बताया क्या बताया कि the public is the only one who controls the total cycle of government. अगर public है तो public ही government को decide करती है और उसके functions पे काम करती है। functions पे काम करने का मतलब जैसा public कहेगी वैसे ही government को काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपने मन से भी government काम करती है तो समझ में आता है, but they have to work in the field in which public is demanding. अगर public की demand है कि public toilets को साफ किया जाए, ठीक है, तो government public toilet को साफ करे, ठीक है, because it is the need of the public, ठीक है, ये public की या जनता की demand है, ठीक है। So क्या समझ में आया, ऐसे की समझ में आता है कि public is the most important person in role of government, ठीक है, government के role में या government सिलेक्शन से लेकर के उसकी काउंसलिंग तक सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, जनता। अगर जनता अच्छी गवर्नमेंट बनाती है, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है तो जनता का विकास होता है, और अगर नहीं चुनती है तो जनता फिर दे गेट देयर रिजल्ट, ठीक है। सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग दैट शुड बी स्टार्टेड इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, सो आफ्टर 1947 पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। द पार्लियामेंट इज आवर सिस्टम एज इट इज कॉल्ड बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सेंट्रल पैनल एज दे आर फॉर स्टेट लेजिस्लेशन। इसका कितना बड़ा जो वो कर रहा मैंने पढ़ा था, इस पर आया का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, जस्ट टू फर्स्टली वी विल गो टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। सो द डेफिनेशन विल बी जस्ट टू मेक पब्लिक पार्टिसिपेशन इन every decision of government, parliament is made, ठीक है, parliament क्यों बनाया गया है, ताकि public की जो participation है वो important की जा सके किसी government के बनाने में, ठीक है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि public is the one in the type of democratic government, public is the one who has all the powers, ठीक है। democratic government में या democracy में सबसे ज्यादा पावर किसको मिली हुई है, पब्लिक को, ठीक है, क्यों, क्योंकि पब्लिक ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, अपने लिए एक बढ़िया गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। अगर अच्छी गवर्नमेंट बनती है, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, देन दे गेट बेटर रिजल्ट्स और दे सफर, ओके। सफर का मतलब ये है अगर अच्छी गवर्नमेंट बनती है, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है तो उनका विकास होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है, और अगर अच्छी गवर्नमेंट नहीं बनती है तो फिर उन्हें परेशानियों का सामना करना, ठीक है। सो द रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू
make public participation important in every government decision. ठीक है? So the parliament in our system it has immense power. Immense power क्यों है भाई? और parliament हो गया तो और क्यों मिलेगी? क्योंकि इसमें वो लोग हैं जो जनता के थ्रू सिलेक्ट होकर के आए हैं. ठीक है? जनता के थ्रू सिलेक्ट होने का मतलब क्या है? जनता ने उन्हें अपने उनके व्यूज के हिसाब से, ठीक है, उनके काम करने के तरीके के हिसाब से सेलेक्ट किया है. ठीक है? और जनता के पास ये भी पावर है कि उसको कभी भी वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, कभी भी उन्हें खत्म कर सकती है. ठीक है? सो जस्ट बिकॉज इट हैज पावर्स, बिकॉज द highest authorities public. ठीक है, ये चीज समझ गए? That highest authority is public. ये क्यों कहा गया? क्योंकि जनता चाहे तो किसी की भी गवर्नमेंट बना सकती है, किसी की गवर्नमेंट हटा सकती है. So this is a very important thing. So after this, elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. So, Lok Sabha चुनाव की हम बात करते हैं, अगर अभी Lok Sabha चुनाव की बात कर रहा था मैं, तो Lok Sabha चुनाव हर 5 साल पे एक बार होते हैं. ठीक है? Once every 5 years, हर 5 साल में एक बार होता है. ठीक है? So after this, the country is divided into numerous constituencies as shown in the map. Each of these constituencies elects one person to the parliament. The candidate to contest elections usually belong to a different political party. भाई यही तो समझा रहे थे. This is the only one thing that I was trying to explain, that Lok Sabha elections में पूरे देश को, ठीक है ये भी इसमें हम मान लेते हैं वही अच्छी है सो इस देश को छोटी-छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है या लोकसभा क्षेत्रों में बांट देते हैं ठीक है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस प्लीज रिफर टू द पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर सो द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लोकसभा एरियाज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक है एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी elects one representative or one person. ठीक है? एक गवर्नमेंट को या एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है जनता हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ठीक है? और जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट होती है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुने जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी सरकार स्टेट में बनती है. ठीक है? दैट पार्टी और दैट इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीमो ऑफ दैट स्टेट. ठीक है? So, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पार्टी जीती वो स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है? सो पार्टी, पार्टी सबसे मैं कह रहा हूं, पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी इज अ कम्युनिटी ऑफ लीडर्स हैविंग सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब कि कई सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं. ठीक है? सो एंड दे हैविंग अ सेम पॉइंट ऑफ व्यू, अ सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू. सो जस्ट टू कंटेस्ट इलेक्शंस दे फॉर्म अ ग्रुप और अ कम्युनिटी to take part in these elections. So that political group or that particular political community is known as political party. ठीक है? समझ में आई बात? Political party क्या होती है? कई बार क्या होता है, कई लोग politics से जुड़े तो होते हैं, but they don't have any kind of participation in personal. मतलब कि वो अकेले कोई भी election नहीं लड़ सकते. क्यों नहीं लड़ सकते भाई? जब तक उनके पास कई सारी चीजों का सपोर्ट नहीं होगा, दे आर नॉट एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन. सो अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस हैविंग सेम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दे कैन फॉर्म अ कम्युनिटी. सो अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस दैट आर हैविंग सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू, दे फॉर्म अ ग्रुप और दे फॉर्म अ कम्युनिटी. दैट कम्युनिटी इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है? एंड बाय फॉर्मिंग दिस पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन के बाद दे आर फ्री टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन. ठीक है? ये पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन के बाद इजीली जो है
किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। In every part of country, they need a group of politicians. जब भी किसी इलेक्शंस की बात होती है, ठीक है, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या इलेक्शन में शामिल होने के लिए, खास पूरी इंडिया में इलेक्शन जब होते हैं तो हर तरफ से अपने कैंडिडेट्स को उठाने के लिए, ठीक है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल इंडिविजुअल टू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को लेना है तो उसे हर पार्ट से अपने कैंडिडेट्स को उठाना पड़ेगा, ठीक है, अगर उठाएगा नहीं तो बाकी जगह सीधे रहते हैं, ठीक है। So, just to contest elections in every part of country, they need a political party or group of politicians. Okay? Second importance ye hai, to have a point of view matching with the public, ठीक है, public से अपनी point of view या फिर अपनी जो सोच है उसको similar करने के लिए they have to make a party, ठीक है। party की importance क्यों होती है, क्योंकि जनता के साथ उसका भी point of view या उसका motto match करना चाहिए, ठीक है। when the point of view matches, then only a party is formed, ठीक है। जब सारे political जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी सोच उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जब मिलते हैं, देन ओनली अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इज डन, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टी शुड मैच विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक, ठीक है। जो पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो उसके काम करने का तरीका है वो पब्लिक को पसंद आना चाहिए या पब्लिक से मैच करना चाहिए, ठीक है, तभी दे आर गोइंग टू विन अ इलेक्शन, ठीक है, तभी वो इलेक्शन में जीत सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू मैच करना चाहिए, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट ये है कि टू कंटेस्ट इलेक्शंस ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ना है किसी पार्टी को। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बीजेपी, ठीक है, समटाइम्स बीजेपी आल्सो कंडक्ट्स इलेक्शंस जस्ट टू सो टू कंटेस्ट इलेक्शंस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये हो गई पार्टी की इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती है इसकी बातें हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी जब इंडिया में लॉन्च हुई थी, जो बनी थी वो थी 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सबसे पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। इसकी स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, ठीक है। एओ ह्यूम वाज अ
कमांडर जनरल ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। सो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। सो कांग्रेस की स्थापना किस मोटो पे की गई, किस बेसिस पे इसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस था वो ये था दैट इज स्टार्टेड रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट करना या उनको चैलेंजेस देना शुरू किया, दैट इन द फॉर्म दैट दे आर गोइंग टू लीव द कंट्री, ठीक है। सबसे पहले उसने स्टार्टेड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इसने अपनी पहली मूवमेंट को लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पार्टी का प्रमोशन होता गया, आगे बढ़ती गई, तो उसने भगत सिंह की जो मोटो को अपनाया, ठीक है। उसने भगत सिंह के मोटो पे चलना शुरू किया। भगत सिंह का मोटो था पूर्ण स्वराज, ठीक है। सो पूर्ण स्वराज जो मोटो था भगत सिंह, ठीक है, दिस वॉज एडॉप्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बाई आफ्टर अडॉप्टिंग दिस मोटो ऑफ पूर्ण स्वराज दे स्टार्टेड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लीव द कंट्री, ठीक है। भगत सिंह के इस आइडिया को अडॉप्ट करने के बाद दे स्टार्टेड डिफरेंट चैलेंजेस। उसने कई सारे ऐसे मूवमेंट्स को, कई सारे ऐसे चैलेंजेस को लॉन्च किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि वो इंडिया छोड़ के चले गए, ठीक है, उनके नियमों का पालन बंद हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ठीक है, उनके साथ इलेक्शंस को जिसने इलेक्ट किया था, कॉन्टेस्ट किया था, वो इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट पार्टी कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी पार्टी जो इंडिया में दूसरी पार्टी आई वो थी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी के बाद क्या होगा कि ये एक प्रोडक्ट पार्टी, ठीक है, ये एक अलायंस से अलग हुई, ठीक है। अलायंस ने एक पार्टी का फंक्शन कराया और उस अलायंस का नाम था आरएसएस, ठीक है। आरएसएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। इसी से किसी के डिसॉल्वेशन के बाद उसी से भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड एज अ डॉटर पार्टी ऑफ आरएसएस, आरएसएस की डॉटर पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। डॉटर पार्टी का मतलब इसी से निकल के इसके कई सारे मेंबर्स थे, मिल करके इस पार्टी का गठन किया, ठीक है, जस्ट टू चैलेंज द फॉल्स रूल्स दैट वर मेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस की बनाई हुई कुछ नियमों का उल्लंघन करने के लिए या इसका अपोजिशन करने के लिए ये नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, दैट वाज डायरेक्टली चैलेंजिंग द रूलिंग कैपेसिटी और द रूलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अलग होकर के या फिर उसी से कई सारे क्या कहते हैं लीडर्स को चुन करके एक पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम पड़ा भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इसके बाद आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब तो बाद में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सीपीआई और सीपीआई में अंतर क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पार्टी है सीपीआई, ठीक है। बाद में before I think 20 years before it was separated and a new party was formed named Communist Party of India Marxist, ठीक है। CPI और CPI का formation हुआ, और Marxist का मतलब क्या है? तो CPI या Communist Party of India है कि हिंदू रिलीजियस जो फेथ्स हैं या जो आइडियाज हैं उनके बेसिस पे काम करती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट CPIM दे फॉलो द रूल्स, दे फॉलो द वे ऑफ लीडरशिप दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्क्स,
ठीक है, मार्क्स या फिर एक राइटर थे, एक सोशलिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे चलने वाली ये पार्टी है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ओके। आफ्टर दैट मेनी ऑफ द पार्टीज वर फॉर्म बाय, बहुत सारी पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट आईसीएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता पार्टी, लोकदल, फिर स्टेट पार्टीज की बात करें तो ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, एआईएडीएमके, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्रा कझगम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस, केरला कांग्रेस, मुस्लिम लीग, पीसेंट एंड वर्कर पार्टीज ऑफ इंडिया, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एनडीयू किसान पार्टी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके बाद आई तेलुगू देसम पार्टी टीडीपी, टीडीपी इज कंसीडर्ड एज द फोर्थ पार्टी दैट वाज फॉर्मड इन इंडिया टू परफॉर्म एंड कंटेस्ट द इंडिपेंडेंट इलेक्शन, ठीक है, इसका फॉर्मेशन किया गया। सो इतनी सारी पार्टीज को लॉन्च करने का फायदा क्या था, ताकि एक एक सोसाइटी में कितने टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक है, जनता किसको अपना रूलर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है, ठीक है, कैसे वो किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करती है दैट हु इज द बेस्ट फॉर देम, ठीक है, जस्ट टू परफॉर्म दैट पॉइंट ऑफ व्यू थिंग न्यू टाइप्स ऑफ पार्टीज वर फॉर्मड इन इंडिया, ठीक है, जस्ट टू गेट इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन, ठीक है, एक इलेक्शन का एक इंडिपेंडेंट रिजल्ट पाने के लिए या फिर पब्लिक के हर उस व्यू को जानने के लिए, ठीक है, किस व्यू पे पब्लिक अपने सरकार को चाहती है, इतनी सारी पार्टी गठन इंडिया में हुआ था, ठीक है। अब कल की डेट में ये डिस्कस करेंगे कि किस पार्टी से कितने एमपी इलेक्ट हुए थे पिछले इलेक्शन में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, होप यू गेट सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो लेट अस टॉक अबाउट द होमवर्क, ठीक है। सो योर टुडेस होमवर्क इज find out the names of party existing in India till 2020 January 2020. So you have to find out the name of parties or the number of parties that are existing in India till January 2020. January 2020 तक कितनी parties India में exist कर रही है आपको find करना। So thank you for watching.